लास्ट पॉइंट था संस्कृत पढ़ने जा रही हूँ चैप्टर फाइव। चैप्टर फाइव का नाम है सुवासी पानी। उद्भेदन किसी जयंती का यानी ना मनोरथ है ना ही सुपुत्र से सिंह से परमिशन की मुख्य मिलेगा। परिश्रम करने से ही सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं, केवल सोचने से नहीं। सोचते हुए शेर के मुंह में अपने आप ही हिरण प्रवेश नहीं करते, अर्थात शेर के मुंह में अपने आप ही शिकार नहीं आता, उसे शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काका कृष्णा पिका कृष्णा बोध में पिटिकायो वसंत समय प्राप्त काका काका पिका पिका। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या अंतर है? वसंत ऋतु आने पर कोयल कोयल हो जाती है और कौवा कौवा हो जाता है। ये शाम ना गिद्धा ना तपो ना दाना ज्ञानम ना शीलम ना गुरु ना धर्मा जे मर्ते मर्ते लोके भूमि भाण्डुका मनुष्य रूपेण मृत चरंती। जिन लोगों के पास ना तो विद्या है ना तप है ना दान है ना शील है ना गुण है और ना धन है, वे लोग इस धरती पर भाड़ है और मनुष्य के रूप में मृग की तरह घूमते रहते हैं। सहले सहले ना मानिकम मौक्तिकम ना गजे गजे शाम को ना ही सर्वत्र चंदनम ना बने बने। हर एक पर्वत पर मणि यानी कि बहुमूल रत्न पत्थर नहीं होते हैं। हर एक हाथी के गंड स्थल में मोती नहीं मिलते। साधु सभी जगह नहीं होते। हर एक वन में चंदन नहीं होता, अतः दुनिया में अच्छी चीजें बड़ी मात्रा में नहीं मिलती। आलस से कुतो विद्या विधा से कुतो धना अधना से कुतो मित्रम मित्र से कुतो सुखा। आलसी को विद्या कहा अनपढ़ को धन कहा। निर्धन जिसके पास धन ना हो वो मित्र कहाँ, अमित जिसका कोई मित्र ना हो। जिसके पास धन नहीं है उसका कोई मित्र नहीं होता। जल बिंदु निपुता कर्मश्य प्रियते घट सहेतु सदिधाना कर्मश्य धनश्य। पानी की एक बूंद गिरने से भरा भर जाता है, इसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से सब विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके धन और धन का संचय भी